30 दिवसीय महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। जी हां नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर रोहतास जिला से है, जहां पर नोखा में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नोखा में 30 दिवसीय सिलाई मशीन का प्रशिक्षण चलाया जा रहा, जिसमें 35 परीक्षणार्थी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आरसीटी निर्देशक अजीत कुमार, एका सिलाई के ट्रेनर मीना कुमारी, कार्यालय सहायक विकास कुमार एवं प्रियांशु कुमार रुस्तम अली के द्वारा किया गया। यह प्रशिक्षण 4 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा। आरसीटी निर्देशक ने बताया कि यहाँ उमेश टेलर का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जो कि 4 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। 30 दिन का कार्यक्रम है, जो कि 7 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। सिलाई का ट्रेनिंग हो रहा है, 30 दिन का ट्रेनिंग है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक आरसेटी ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि ये लोग महिलाएं यहाँ से सीखकर स्वयं का रोजगार करें। और ये लोग मतलब रोहतास के हर मतलब प्रखंड से आई हुई हैं, और यहाँ से सीख के जाने के बाद कितने दिन का ट्रेनिंग है? 30 दिन का है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग का क्या मिलता है मैडम जी? यहाँ से लोन पास होता है, जिससे वो लोग का खुद का बिजनेस कर सकती हैं, किसी पे निर्भर नहीं हो। अपने जैसे आजकल है कि आप लोग अपने खुद के कमाई से कुछ कर ले महिला, तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोग भी वही करना चाहती हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मीरा कुमारी।